हेलो बच्चों, वेलकम। सो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और आज का हमारा टॉपिक है स्टेम। तो स्टेम में अपन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एरियल पोर्शन का जो मॉडिफिकेशन है, वहां तक इस लेक्चर में अपन कवर अप करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने रूट के बारे में डिस्कस किया था, रूट का कंप्लीट लेक्चर, एक ही लेक्चर में मैंने रूट को कंप्लीट करवाया था। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एनसीईआरटी प्लस जो पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन पर बेस्ड अपन थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? सो आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें बच्चों। सो आज का टॉपिक हमारा है स्टेम। तो स्टेम क्या होता है, इस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्या फीचर है स्टेम के और कौन कौन से स्ट्रक्चर स्टेम पर पाई जाती है और स्टेम के फंक्शन क्या है और स्टेम के मॉडिफिकेशन क्या है, इस पर अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो स्टेम जो होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का। कैसा पार्ट होता है? असेंडिंग पार्ट, ठीक है ना। असेंडिंग हिंदी में क्या बोलते हैं? आरोही भाग होता है, ठीक है ना, आरोही भाग होता है, असेंडिंग पार्ट होता है। अबव द ग्राउंड प्रेजेंट, अबव द ग्राउंड। भाई रूट के साथ में अगर अपन कंपेयर करें तो रूट जो थी वो मतलब सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट है वो रूट है, और जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं? स्टेम या शूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, कहां से डेवलप होता है? रिवाइज करते चलिए साथ में, कंपेरिजन करते रहो रूट के साथ में। तो अगर अपन देखें, रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप होती है, तो स्टेम कहां से डेवलप होगा? फ्रॉम प्रोलोंगेशन ऑफ अ प्लूम्यूल, फ्रॉम प्रोलोंगेशन ऑफ प्लूम्यूल, ठीक है ना। प्रांकुर भाग से विकसित होता है, प्रांकुर भाग से, जबकि रूट जो होती है वो मूलांकुर भाग से होती है, ठीक है। इंग्लिश में रूट के लिए जो टर्म है वो रेडिकल पार्ट से ओरिजिनेट होती है, और स्टेम जो है वो प्लूम्यूल पार्ट से ओरिजिनेट होता है। जर्मिनेटिंग सीड के जो एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं प्लूम्यूल और रेडिकल, क्लियर। इसके अलावा इस पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। तो बियर ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर क्या होगा? सीड होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका कि इसके अंदर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बियर नोड एंड ए इंटरनोड, बियर नोड एंड इंटरनोड, ये रूट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि स्टेम में देखने को मिलते हैं। परव तथा परव संधियां पाई जाती हैं। नोड वो जगह होती है जहां से लीफ बॉर्न होती है, ठीक है ना। तो रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, ठीक है ना, जहां से पत्तियां विकसित होती हैं, पत्तियों की उत्पत्ति होती है, उन जगहों को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और इंटरनोड जो होती है वो क्या होता है? इंटरनोड होती है बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच की जगह। अब देखिए, जैसे ये है, ये वाला रीजन जो है ये नोड है, और ये वाला रीजन जो है ये नोड है। तो ये जो बीच का भाग है ये क्या होगा? ये होगा इंटरनोड, और ये वाला रीजन जो होगा वो होगा नोड। तो नोड वो जगह होती है जहां से ब्रांचेज और लीव्स डेवलप होती हैं, जबकि दो नोड के बीच की जगह जो बीच का रीजन होगा उसे क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। तो क्लियर? तो ब्रांचेज लीव्स, फ्लावर, फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड वो जगह है जहां से लीव्स बॉर्न होती हैं, जबकि दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसे इंटरनोड कहा जाता है। दो नोड के बीच की जगह को क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। फिर इसको देखा जाए तो ये कैसा है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, और रूट का उल्टा होगा
तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव ही क्या होगा, हाइड्रोट्रॉपिक होगा, नेगेटिव ही हाइड्रोट्रॉपिक होगा। मीन ऑपोजिट, मतलब एक तरह से आप यूं कह सकते हो भाई, रूट जो है वो सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर ग्रोथ कर रही है, अंदर अंदर जा रही है गहराई में, जबकि स्टेम जो होता है वो ऊपर जाता है। तो ये किस तरह का है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक कहलाता है। क्लियर बच्चों? अब इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेम पर बर्ड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हैज बर्ड्स एंड हेयर्स। फिर स्टेम हेयर के बारे में, स्टेम हेयर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेम हेयर जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। स्टेम हेयर जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ट्राइकोम, इन्हें ट्राइकोम कहते हैं। तो स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं, इन्हें ट्राइकोम कहते हैं, जबकि रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें होंगी, ब्रांचेज जो होंगी, लेटरल ब्रांचेज प्रेजेंट होती है। तो लेटरल ब्रांचेज जो होती है, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करके रखिएगा, लेटरल ब्रांचेज जो पार्श्वीय शाखाएं विकसित होंगी, पार्श्वीय शाखाएं वो कहां से डेवलप होती है, वो कोर्टेक्स रीजन से डेवलप होती है, वो कोर्टेक्स रीजन से डेवलप होती है और एग्जोजीनस ओरिजिन की होती है। कैसी? एग्जोजीनस ओरिजिन की होती है। जबकि रूट के अंदर लेटरल रूट जो होती है वो पेरिसाइकिल से डेवलप होती है, एंडोजीनस ओरिजिन की होती है, पेरिसाइकिल से डेवलप होती है, एंडोजीनस ओरिजिन की, किसमें, रूट में। जबकि स्टेम के अंदर एग्जोजीनस ओरिजिन की है और कोर्टेक्स रीजन से डेवलप होती है, कोर्टेक्स रीजन से डेवलप होती है। अब इनिशियली देखें तो स्टेम जो होता है वो ग्रीन और हर्बेशियस होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ करता जाएगा वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, वुडी हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि उस प्लांट की हैबिट किस तरह की है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हैबिट के बेसिस पे प्लांट तीन तरह के होते हैं, हर्ब्स हो गई, शर्ब्स हो गए और ट्री हो गए। तो अगर हर्बेशियस नेचर का प्लांट है तो वो तो वुडी नहीं होगा, और अगर बड़ा पेड़ है तो वो इनिशियली तो हर्बेशियस होगा लेकिन बाद में आगे चलकर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होगा वो वुडी होना शुरू हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का। और जब हर्बेशियस कंडीशन में होता है तो वो ग्रीनिश होता है, ठीक है ना, हरे रंग का दिखाई पड़ता है। तो रिपीट कीजिए, असेंडिंग पार्ट है, ठीक है ना, आरोही भाग है, ग्राउंड से ऊपर प्रेजेंट होता है, कहां से डेवलप होता है, प्लूम्यूल से डेवलप होता है, ब्रांचेज पाई जाती हैं, और जो लेटरल ब्रांचेज होती है वो कोर्टेक्स से ओरिजिनेट होती हैं, एग्जोजिनस ओरिजिन की होती है। लेटरल ब्रांचेज कोर्टेक्स से ओरिजिनेट होती है, एग्जोजिनस ओरिजिन की। लीव्स, फ्लावर, फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, नोड, इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। तो नोड जो परव संधियां होती हैं, ये वो जगह होती है जहां से शाखाएं और पत्तियां विकसित होती हैं। एनसीईआरटी में लीव्स लिखा है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, कि रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, वो जगह जहां से पत्तियां उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, नोड और इंटरनोड किस तरह के हैं ये आपको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है। इस पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, उन्हें ट्राइकोम कहते हैं, और बर्ड्स प्रेजेंट होती है। अब बात आती है बर्ड्स की, बर्ड्स को अपने क्लासिफाई करना है, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि बच्चों जहां भी आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ते हो, जहां भी आप स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़ते हो, वहां आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स देखने को मिलती है, अलग अलग टर्म्स देखने को मिलती है। तो कौन सी बर्ड कैसी होती है, क्या उसका फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है, वो अभी अपने को डिस्कस करना है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, सर्दियों में इंक जो होती है वो जम जाती है बोर्ड पे, तो इरेज करना बड़ा मुश्किल होता है इसको। ब्लू से भी आपको अच्छा दिखता है ना,
ब्लू मार्कर यूज, वो इरेज अच्छा होता है। क्वेश्चंस बच्चों साथ साथ में करते रहना। आजकल मार्केट में आपको टॉपिक वाइज गाइड्स मिल जाती हैं बहुत सारी, जो एग्जाम के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस के लिए भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। तो जो जो टॉपिक हो चुके हैं, जैसे अपन ने रूट को डिस्कस कर लिया है, तो रूट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी कहीं डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो चैनल के अबाउट में मेंशन है। ओके, तो चलिए बच्चों बर्ड के बारे में बात करते हैं कि बर्ड जो होती है कलिका वो क्या होती है। ठीक है, तो कलिका किस तरह की होती है? कंडेंस्ड अनडेवलप्ड डोम शेप स्ट्रक्चर होती है। कंडेंस्ड अनडेवलप्ड डोम शेप स्ट्रक्चर। कैसी? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, सघन, सघनित या अविकसित या गुबंद आकार की संरचना होती है। तो ये अनडिफरेंशिएट होती है, एक तरह से मेरिस्टमेटिक सेल का मास होता है। ठीक है, जो आगे चलकर क्या डेवलप कर सकता है? वो कुछ भी डेवलप कर सकता है। वो ब्रांच बना सकता है, वो लीव्स बना सकती है, वो फ्लावर बना सकती है। ठीक है, तो बर्ड जो होती है वो अनडिफरेंशिएटेड कंडेंस्ड अनडेवलप्ड डोम शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट शूट होता है, एक तरह से प्रोहो भाग पर पाई जाने वाली एक मेरिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होती है। बर्ड्स रूट पर नहीं पाई जाती, एक्सेप्शन आपको बताया था उन प्लांट्स के अंदर जिनकी रूट वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करती है, उन प्लांट की रूट्स के अंदर बर्ड प्रेजेंट होती है। अदरवाइज रूट पर जनरली बर्ड्स नहीं पाई जाती। तो अगर बर्ड को अपन क्लासिफाई करें, बर्ड को अगर अपन क्लासिफाई करें तो बर्ड जो है वो तीन तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? तीन तरह की। तो तीन तरह की कौन कौन सी? वेजिटेटिव बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड। दूसरी है फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल बर्ड। और तीसरी है मॉडिफाइड बर्ड। ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडिफाइड बर्ड। रूपांतरित कलिका, पुष्पीय कलिका और काइक कलिका। ठीक है, वेजिटेटिव बर्ड को हिंदी में कहते हैं काइक कलिका, फ्लोरल बर्ड को कहते हैं पुष्पीय कलिका, मॉडिफाइड बर्ड को कहते हैं रूपांतरित कलिका। तो वेजिटेटिव बर्ड ऑब्वियसली बात है ये किसको उत्पन्न करेगी? ये होगी वेजिटेटिव शूट को डेवलप, वेजिटेटिव शूट को प्रोड्यूस करेगी। तो डेवलप इंटू वेजिटेटिव शूट, डेवलप इंटू विकसित होकर आगे पादप के काइक भाग को बनाएगी। डेवलप इंटू वेजिटेटिव, वेजिटेटिव शूट। ठीक है, फ्लोरल बर्ड डेवलप इंटू फ्लोरो, अपने फ्लावर। ठीक है, डेवलप इंटू फ्लावर। और मॉडिफाइड बर्ड जो होती है वो इन दोनों में से हो सकती है। ठीक है ना, वो दोनों में से हो सकती है, कैन बी बोथ वेजिटेटिव और फ्लोरल, कैन बी बोथ वेजिटेटिव और वेजिटेटिव, यानी काइक और फ्लोरल पुष्पीय, ये दोनों हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट जो है वो वेजिटेटिव और फ्लोरल है। अब फ्लोरल बर्ड जो है ये ऑलवेज, ये हमेशा क्या करेगी? ये हमेशा फ्लावर ही बनाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लोरल बर्ड पुष्पीय कलिका हमेशा पुष्प को ही उत्पन्न करेगी, हमेशा फ्लावर को ही प्रोड्यूस करेगी। लेकिन लेकिन वेजिटेटिव बर्ड जो होती है वो अलग अलग होती है। तो वेजिटेटिव बर्ड के बारे में बात करें तो टर्मिनल, एक्जिलरी, एसेसरी और एडवेंटिशियस, चार तरह की हो सकती है। तो टर्मिनल या एपिकल, टर्मिनल या एपिकल बर्ड। ठीक है, एक्जिलरी बर्ड, एक्जिलरी बर्ड। तीसरी जो है वो एसेसरी है, एसेसरी बर्ड्स। और चौथी है एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड्स। ठीक है, तो टर्मिनल
या शीर्षस्थ कलिका जो होगी, शीर्षस्थ कलिका जो होगी वो कैसी होगी? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ, प्रेजेंट एट द टिप, चाहे वो स्टेम का टिप है चाहे ब्रांचेज का टिप है, ठीक है ना, ग्रोइंग रीजन जो होते हैं वहां पर प्रेजेंट होगी। तो प्रेजेंट एट टिप पोजिशन, शीर्ष स्थिति पर होगी, टिप पोजिशन पर ऊपर वाला हिस्सा। एक्जिलरी बड जो होती है वो लीफ एक्सिस में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, प्रेजेंट एट लीफ एक्सिस। तो प्रेजेंट एट लीफ एक्सिस यानी कि पत्ती के अक्ष में पाई जाने वाली, पत्ती के अक्ष में पाई जाती हैं और ग्रो करके स्टेम ब्रांच या फ्लावर भी बना सकती है, ठीक है ना। ग्रो टू फॉर्म ब्रांच और फ्लावर, और फ्लावर, ठीक है। तो एक्जिलरी बड जो होती है वो ग्रोथ करके आगे ब्रांच या फ्लावर प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन फ्लोरल बड हमेशा फ्लावर ही बनाएगी, ये चीज ध्यान में रखनी है। लीफ एक्सिस में प्रेजेंट होती है, तो लीफ एक्सिस कैसे प्रेजेंट होगा, जैसे मैं अगर आपको डायग्राम बताऊं यहां पर देख लेते हैं, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, यहां नोड से यू लीफ ओरिजिनेट हुई, तो यहां पोजिशन पर एक्सिस पोजिशन में यहां पर ये जो बड होगी ये एक्सिलरी बड होगी, ठीक है ना। ये बड जो है ये कौन सी बड है, ये एक्सिलरी बड है, ठीक है ना। कक्षीय कलिका बोलते हैं, ककस्थ कलिका बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका, ठीक है ना, कक्षीय कलिका कहा जाता है, या अक्षीय भी बोलते हैं इसके लिए, हिंदी में एक दो टर्म यूज की जाती है। तो टर्मिनल शीर्षस्थ अक्षीय या कक्षस्थ कलिका जो होती है उसको क्या कहा जाता है, एक्जिलरी बड कहा जाता है। फिर बात आती है एसेसरी बड की, तो एसेसरी बड जो होती है वो आसपास प्रेजेंट होती है, एक्स्ट्रा बड होती है आइदर ऑन और अबव द एक्जिलरी बड, ये एक्स्ट्रा होती है आइदर ऑन और साइड ऑफ एक्सिलरी। बात का मतलब क्या हुआ कि या तो ये जैसे ये एक्सिलरी बड है इसके ऊपर या इसके आसपास साइड में प्रेजेंट होगी। सिंपल सी बात है कि जहां से एक्सिलरी बड डेवलप हो रही है उसके आसपास वाले क्षेत्र के अंदर एक एक्स्ट्रा बड डेवलप होती है जिसे एसेसरी बड कहा जाता है, जिसे एसेसरी बड कहा जाता है। और एडवेंटिशियस जो होती है, अपस्थानिक जो होती है, वो कहां से डेवलप होती है, अदर देन अबव मेंशन्ड पार्ट, डेवलप फ्रॉम अदर देन अबव मेंशन्ड पार्ट। कहने का मतलब यह हुआ कि जो मैंने आपको ये बताए हैं भी टर्मिनल एक्सिलरी और एसेसरी, इन जगहों को छोड़कर इसके अलावा कहीं से भी अगर कोई बड डेवलप हो रही है तो वो बड क्या है, एडवेंटिशियस बड है। समझ गए, यानी टर्मिनल एक्सिलरी एसेसरी ये जो ऊपर आपको मेंशन किए हैं फ्लोरल बड, इनको छोड़कर इनके अलावा कहीं से भी डेवलप होने वाली बड को एडवेंटिशियस कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप एडवेंटिशियस का मतलब समझो अपस्थानिक का, यानी अपने स्थान से हटकर जहां से उसका ओरिजिन एक्चुअल ओरिजिन होना है वहां से वो ओरिजिनेट ना होकर अगर किसी दूसरी जगह से ओरिजिनेट हो रही है तो उसे एडवेंटिशियस कहा जाता है, वो चाहे रूट हो वो चाहे बड हो। तो रूट जो होती है वो रेडिकल होती है, रेडिकल से, तो रेडिकल से छोड़कर अलग कहीं से भी डेवलप होती है तो उसको एडवेंटिशियस बोलते हैं। यहां पर ये जनरल फॉर्म है बर्ड्स की, तो इनको छोड़कर कहीं से भी अगर कोई और बर्ड डेवलप हो रही है तो उसे एडवेंटिशियस बर्ड कहा जाता है। तो एडवेंटिशियस बर्ड जो होती है वो तीन तरह की होती है, ठीक है ना। एडवेंटिशियस बर्ड जो होती है बच्चों वो तीन तरह की होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपली मैं यहां बता देता हूं, एडवेंटिशियस बर्ड के बारे में, ठीक है। तो अगर बात करें अपन एडवेंटिशियस बर्ड की, एडवेंटिशियस बर्ड्स,
तो ये आपको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करने वाले प्लांट पार्ट्स के अंदर सामान्यतः देखने को मिलती है। तो क्यूलाइन, क्यूलाइन इसे ये कहां होती है, जो स्टेम पे डेवलप होती है। रेडिकल बड ये जो रूट पे डेवलप होती है। आपको बताया था ना वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करने वाले जो प्लांट होते हैं उनके रूट स्टेम लीफ पर एडवेंटिशियस बड पाई जाती है। तो जो स्टेम स्टेम पर एडवेंटिशियस बड होगी उसे क्यूलाइन बड बोलते हैं, जो रूट पर एडवेंटिशियस बड होगी उसे रेडिकल बड कहते हैं, और जो लीफ पर प्रेजेंट होगी उसे कहते हैं फोलियर बड। ठीक है ना, जो लीफ पे प्रेजेंट होगी उसे क्या कहते हैं, फोलियर बड कहा जाता है। क्लियर। तो तीन तरह की होती है एडवेंटिशियस, जिस तरह से ब्रायोफिलम हो गया, बेगोनिया हो गया, जिनके अंदर लीफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करने वाले प्लांट्स के अंदर आपको जनरली एडवेंटिशियस बड देखने को मिलेगी। क्लियर। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि बड जो होती है वो क्या होती है, कंडेंस्ड अनडेवलप्ड डोम शेप अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होती है, जो आगे चलकर किसी प्लांट पार्ट को फॉर्म कर सकती है। तो वेजिटेटिव जो वेजिटेटिव शूट को डेवलप करती है, फ्लोरल जो फ्लावर को डेवलप करेगी, और मॉडिफाइड जो होगी वो दोनों को हो सकती है। वेजिटेटिव को आगे क्लासिफाई किया गया टर्मिनल, जो टिप पॉइंट पे प्रेजेंट होती है, जो कहां प्रेजेंट होती है, टिप पॉइंट पे, एक्सिलरी अक्षीय, जो लीफ एक्सिस में लीफ अक्ष पत्ती के अक्ष में उपस्थित होती है जैसा कि वहां दिखाया गया है, ठीक है, जो कि ब्रांच या फ्लावर को प्रोड्यूस कर सकती है। एसेसरी जो एक्सिलरी के आसपास प्रेजेंट होगी उसे एसेसरी बड कहते हैं, और ऊपर मेंशन जितने भी पार्ट है इनको छोड़कर, इन जगहों को छोड़कर अगर कहीं से भी कोई बड डेवलप होती है तो उसे एडवेंटिशियस कहते हैं। अगर वो बड स्टेम से डेवलप हो रही है तो क्यूलाइन, अगर वो बड रूट से डेवलप हो रही है तो रेडिकल, और अगर वो बड लीफ पर डेवलप हो रही है तो फोलियर बड कहते हैं। तो ये जो बर्ड का क्लासिफिकेशन है ये आपको कभी भी बर्ड्स वाले पोर्शन में कंफ्यूज नहीं होने देगा। आई होप क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो ये है बच्चों बर्ड का क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद में फंक्शन पे बात करते हैं अपन स्टेम की। सो आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू बच्चे हैं और जिन्होंने कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इरेज करने में टाइम लग रहा है क्योंकि ठंड ज्यादा है यहां पर। तो इंक जो है वो बोर्ड पे चिपक रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपना टॉपिक फंक्शन ऑफ स्टेम, कि स्टेम के फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ स्टेम, तो अगर स्टेम के फंक्शन की बात करें तो सिंपल सी बात है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, शाखाएं विकसित होती हैं, शाखाओं को उत्पन्न करता है ये, ठीक है। और क्या काम करता है ये, बियर लीफ फ्लावर फ्रूट, बियर लीफ फ्लावर फ्रूट, ठीक है, फल पत्तियां और फूल को उत्पन्न करता है। इसके अलावा क्या काम करता है, कंडक्शन का, वेरी वेरी आईएमपी, कंडक्शन किसका, वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेट, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है, वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट्स, फोटोसिंथेट्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है, मीन फूड। तो टर्म को लेकर कंफ्यूज मत होना। तो वाटर मिनरल और फूड का कंडक्शन कौन करता है,
स्टेम करता है। भाई देखिए, रूट ने वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए, अब लीफ तक, फ्लावर तक, जितने भी प्लांट पार्ट है उन तक पहुंचाना है, तो किसके थ्रू जाएगा? स्टेम के थ्रू जाएगा। फोटोसिंथेसिस किया लीफ ने, तो रूट तक फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। भाई रूट को भी तो फूड चाहिए, तो कौन भेजेगा, कहां से जाएगा? स्टेम के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है, कंडक्शन का जितना भी काम है वो किसके थ्रू होता है? स्टेम के थ्रू ही होता है। ठीक है, सम स्टेम जो है, सम स्टेम, कुछ तने जो है वो क्या करते हैं, स्टोरेज का फंक्शन भी करते हैं। ठीक है ना, सो सम स्टेम्स, सम स्टेम्स परफॉर्म, सम स्टेम्स परफॉर्म स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संग्रहण भी करते हैं, भोजन का संग्रहण भी करते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा प्रोटेक्शन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करना, ठीक है ना, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सम स्टेम परफॉर्म, कुछ तने जो होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं, भोजन का संग्रहण करते हैं, प्रोटेक्शन सुरक्षा का कार्य करते हैं, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। क्लियर, फिर से रिपीट करता हूं, शाखाएं विकसित होती हैं, फूल पत्तियां और फल यहां से डेवलप होते हैं, लीफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। कंडक्शन का काम कर रहा है वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स, वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स का कंडक्शन कौन करता है? स्टेम करता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देन आगे नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने के रूपांतरण, तने के रूपांतरण। स्टेम जो है वो मॉडिफाई होके क्या क्या काम कर सकता है उस पर अपने को डिस्कस करना है। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, तने के रूपांतरण जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो मॉडिफाइड स्टेम स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। अब रूट का मॉडिफिकेशन जो था, रूट का मॉडिफिकेशन किस तरह से था कि वो एब्जॉर्प्शन के अलावा कुछ करने लग जाती है, मतलब जो उसके प्राइमरी वर्क है उसके अलावा वो अगर कोई काम करने लग जाती है तो उसे क्या कहा गया था? उसे मॉडिफाइड रूट कहा गया था, ठीक है ना। तो मतलब एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के अलावा, लेकिन यहां पर ये नहीं है कि ये मॉडिफाई हो गए तो एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन करेंगे नहीं, सॉरी, स्टेम तो वैसे एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, मतलब कंडक्शन की बात कर रहे हैं कि स्टेम कंडक्शन करेगा नहीं, कंडक्शन होगा लेकिन फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। जिस तरह से नॉर्मली स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन मॉडिफाई होने के बाद में फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, वो कांटे डेवलप कर सकते हैं, वो टेंड्रिल्स डेवलप कर सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं जो कि स्पेशल होते हैं। क्लियर, तो बेस्ड ऑन पोजीशन के आधार पर, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ स्टेम ऑन द सॉइल, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ स्टेम ऑन सॉइल, भी सॉइल पे, मृदा पे उसकी स्थिति कैसी है, मृदा पे उसकी स्थिति कैसी है, इस तरह इस बेसिस पे अपन क्लासिफाई करते हैं। एरियल यानी वायवीय भाग, जो एरियल पार्ट मॉडिफाई होंगे, दूसरा सब एरियल अर्धवायवीय, सब एरियल यानी अर्धवायवीय,
थर्ड जो है वो है अंडरग्राउंड। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना, आपके कई कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। एरियल मतलब कंप्लीटली जो सॉइल से ऊपर वाला पोर्शन है वो प्लांट पार्ट अगर मॉडिफाई हो रहा है स्टेम का, तो वो किस तरह का मॉडिफिकेशन है? वो एरियल मॉडिफिकेशन है। अगर कोई प्लांट पार्ट आधा जमीन के अंदर है स्टेम का, मतलब बात स्टेम की कर रहे हैं, तो अगर स्टेम का कुछ पार्ट जमीन के अंदर है, कुछ जमीन से बाहर है, सॉइल के ऊपर है, हॉरिजॉन्टली मतलब एक तरह से ऊपर बिछे हुए तरह से जो होते हैं वो क्या होते हैं? सब एरियल होते हैं। और जो कंप्लीटली सॉइल के अंदर होते हैं उन्हें अंडरग्राउंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड कहते हैं। तो सबसे पहले एरियल मॉडिफिकेशन पर अपने को डिस्कस करना है। तो एरियल मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इंपॉर्टेंट एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला है टेंड्रिल। ठीक है ना, सबसे पहला क्या है? टेंड्रिल। तो टेंड्रिल क्या होता है? प्रतान, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं इसे। तो टेंड्रिल या प्रतान जो होता है वो क्या होता है? एक्जिलरी बड जो होती है, जैसे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, यहां से इसमें लीफ ओरिजिनेट हो रही है, ये लीफ डेवलप हो गई, यहां से इसके अंदर यूं लीफ डेवलप हो रही है। ठीक है, इसके एक्सिस से बड डेवलप होगी, जैसा कि एक्सिलरी बड को बताया था आपको, ये एक्सिलरी बड है, ये डेवलप होके यूं टेंड्रिल बना देती है, स्प्रिंग कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, ये काम क्या करती है? ये स्टेम को किसी भी चीज पर चढ़ने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये एक कॉइल स्ट्रक्चर होती है जो कहां से डेवलप होती है? डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, वेरी वेरी आईएमपी, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। ठीक है ना, अक्षीय कलिका से विकसित होता है, एक्सिलरी बड से। काम ये होता कैसा है? सिलेंडर होता है, स्पाइरली कॉइल होता है। ठीक है, स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर होती है, थ्रीड लाइक धागे नुमा। और काम क्या करती है? काम ये करेगी, स्टेम को किसी भी चीज के ऊपर चढ़ने में हेल्पफुल होती है। तो हेल्प प्लांट टू क्लाइम, हेल्प प्लांट टू क्लाइम। ठीक है, किसी चीज के ऊपर चढ़ने में, जैसे जितनी भी बेल जो होती है उनके अंदर आपको टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं। जिस तरह से गोड्स हो गया, यानी लौकी, एनसीईआरटी के एग्जांपल बता रहा हूं मैं, गोड्स यानी लौकी। इसके अलावा कुकुम्बर हो गया खीरा, कुकुम्बर खीरा, पंपकिन हो गया कद्दू, पंपकिन कद्दू। ये पंपकिन वाला ऑप्शन AIPMT में मैचिंग टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था, AIPMT में मैचिंग टाइप में पंपकिन पूछा गया था AIPMT 2015 में। इसके अलावा वाटरमेलन हो गया, ठीक है, और ग्रेप वाइन हो गई, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन, तरबूज एंड अंगूर की लता, ग्रेप वाइन। ये एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के जो बताते हैं कि इन प्लांट्स में टेंड्रिल पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टू नोट कि टेंड्रिल डेवलप होता है एक्सिलरी बड से, अक्षीय कलिका से। फिर स्पाइरली कॉइल्ड थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे नुमा। ठीक है, सर्पिलाकार रूप से कुंडलित धागे नुमा संरचना होती है, हेल्प प्लांट टू क्लाइंब, पादपों को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। ठीक है ना, फिर एग्जांपल है गॉड्स लौकी हो गया, कुकुम्बर खीरा हो गया, पंपकिन कद्दू हो गया, वाटरमेलन तरबूज, और ग्रेप वाइन अंगूर की बेल। और पंपकिन वाला मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर AIPMT 2015 में सवाल पूछा गया है। इज इट क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है एरियल के अंदर वो है थोर्न। कांटे जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? तो कांटों में और टेंड्रिल्स में फर्क होता है, ऑब्वियस सी बात है, फर्क तो होता ही।
साथ साथ में तुम लोग नोट्स बना लिया करो बच्चों। जिन बच्चों के नोट्स कवर नहीं है वो साथ साथ में बना लें। मैं कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, यहां पर कुछ भी पीछे छोड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है थोर्न यानी कि कांटे। ये भी बच्चों एरियल का ही है, ठीक है ना, एरियल का ही पढ़ रहे हैं। थोर्न से यानी कांटे। तो ये कहां से डेवलप होते हैं? ठीक उसी तरह से एक्सिलरी बर्ड जो होती है इनके अंदर भी एक्सिलरी बर्ड ही काम करती है। जैसे ये लीफ हो गई, ये एक लीफ है, यहां से ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये वुडी और पॉइंटेड हो जाती है, तीखी एकदम। तो ये क्या होगा? ये होता है थोर्न यानी कांटा। तो सिंपल सी बात, कहां से डेवलप हो रहा है? फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। अक्षीय कलिका से विकसित होता है। होता किस तरह का है? ये वुडी होता है, पॉइंटेड होता है, कास्टीय नुकीला, वुडी एंड पॉइंटेड, कास्टीय तथा नुकीला होता है। काम क्या करता है? फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। और किससे प्रोटेक्शन? जो प्लांट को खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनसे, फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। प्रोटेक्शन कहां से? फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, जो पादपों को खा जाते हैं ऐसे जंतुओं से सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? थोर्न्स करते हैं। और थोर्न्स क्या है? एरियल पार्ट है स्टेम का मॉडिफाइड। और कौन सा पार्ट मॉडिफाई हो रहा है? एक्सिलरी बड है वो मॉडिफाई होती है। तो जो सिट्रस होते हैं, ठीक है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, यानी जितने भी सिट्रस नेचर के प्लांट जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। बोगेनविलिया हो गया, बोगेनविलिया, उसके अंदर आपको थोर्न्स देखने को मिलेंगे। तो दो कॉमन एग्जांपल हैं, तो बोगेनविलिया और सिट्रस। क्लियर? बोगेनविलिया और सिट्रस। स्पेलिंग साफ साफ लिख देता हूं, बोगेन, बोगेनविलिया, ठीक है, बोगेनविलिया तथा सिट्रस। क्लियर है? तो फटाक से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं स्टेम प्रिकल्स। नेक्स्ट जो है वो कौन से हैं? स्टेम प्रिकल्स, स्टेम प्रिकल्स। तो स्टेम प्रिकल्स जो होते हैं ये कोमा शेप स्ट्रक्चर होती है, कोमा शेप हार्ड स्ट्रक्चर होती है जो स्टेम पर प्रेजेंट होती है। तो कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर, कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर। बताते हैं किस तरह के होते हैं। जैसे ये स्टेम है, ये एक स्टेम है। क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या? मैं थोड़ी स्क्रीन चेक कर लेता हूं, यहां तक सही से दिखता है? हाँ। तो ये एक स्टेम है, इस पर कोमा शेप यानी कुछ समथिंग लाइक दैट, इस तरह की स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगती है, ठीक है, यूं इस तरह से। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इन्हें प्रिकल्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रिकल्स कहते हैं। ये आसानी से मतलब रिमूव भी हो जाते हैं, अगर आप इनको किसी चीज से, चाहे लकड़ी से वगैरह से अगर रब करोगे तो इजीली ये रिमूव भी हो जाते हैं। एग्जांपल है इसका रोज। गुलाब के स्टेम पर आपको स्टेम प्रिकल्स देखने को मिल जाएंगे, गुलाब के स्टेम पर आपको स्टेम प्रिकल्स देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है। क्लियर? आगे देखते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, दो सबसे इंपॉर्टेंट, फिलो फिलोक्लेड और क्लेडोड। नेक्स्ट एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर फिलोक्लेड और क्लेडोड, देखिए इनमें ध्यान रखिएगा कि अलग अलग बुक्स जो हैं उनके अंदर अलग अलग चीजें दी हुई है। मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस और स्टेटमेंट भी साथ में बताऊंगा।
इंटरनेट पे आप देखते हो चीजों को, तो इन इन दोनों चीजों पर बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आए हुए हैं। तो फिलोक्लेट्स फिलोक्लेट्स ठीक है, हिंदी में प्रणाभ स्तंभ कहा जाता है। फिलोक्लेट्स मींस काम क्या है इसका, ये किस तरह का है, ये मॉडिफाइड होता है ठीक है। जिस तरह से ओपेंशिया की अगर बात करें, ओपेंशिया की अगर बात करें अपन, ओपेंशिया में आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी ठीक है। जगह थोड़ी कम है, कुछ इस तरह से, चलो मैं बना ही देता हूं डायग्राम। तो ओपेंशिया की अगर बात करें, समथिंग लाइक दैट ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, यूं इसकी स्पाइनी लीफ देखने को मिलेगी इन पर, इन पर, और स्टेम जो होगा वो लीफ का फंक्शन करने लग जाता है। स्टेम जो होगा वो किसका फंक्शन करने लग जाता है, लीफ का फंक्शन करने लग जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रही है राउंड राउंड जो है, ये फिलोक्लेट्स है, फिलोक्लेट्स, और ये स्पाइनी लीफ है, स्पाइनी लीफ है ठीक है। ये नीट 2016 की फर्स्ट फेज में पूछा गया, नीट 2016 की फर्स्ट फेज में, नीट 216 फेज फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया। किस फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछा गया, वहां तो सिंपली पूछा गया है ठीक है। तो सम प्लांट मॉडिफाइड देयर स्टेम ठीक है, तो ये क्या है मॉडिफाइड, जैसा कि अपनी हेडिंग है मॉडिफाइड स्टेम है, और परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीफ, परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीफ, पत्ती का काम करने लग जाता है। मीन ये किस तरह का होता है, ये होता है क्लोरोफिलस, ये कैसा होता है क्लोरोफिलस होता है। सो ये क्या काम करेगा, ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, ये फोटोसिंथेसिस का। फिर इसकी शेप के बेसिस पे, इसकी शेप के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, फ्लैट फिलोक्लेट पाए जाते हैं ओपेंशिया में। वेरी वेरी आईएमपी बच्चों, शेप ध्यान रखिएगा, फ्लैट फिलोक्लेट, फ्लैट फिलोक्लेट जो होते हैं वो पाए जाते हैं ओपेंशिया में, नागफनी ठीक है ना, फ्लैट फिलोक्लेट पाए जाते हैं ओपेंशिया के अंदर, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल होते हैं यूफोर्बिया में, फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया में, यूफोर्बिया के अंदर फ्लैशी सिलेंड्रिकल। वेरी 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 आईएमपी, शेप का ध्यान रखना, फ्लैट और फ्लैशी। फ्लैट फिलोक्लेट जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे ओपेंशिया में, फ्लैशी देखने को मिलेंगे यूफोर्बिया में। तो ये जो डायग्राम आप दिखाई दे रहा है ये किसका है, ये ओपेंशिया का डायग्राम है। डायग्राम एनसीईआरटी में यहां इसका नहीं दे रखा है, सो फिर भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार चीजें जो हैं वो डायग्रामेटिकली पूछ ली जाती हैं, क्योंकि कॉमन एग्जांपल है ओपेंशिया पर आने वाला। तो क्लियर है, फिलोक्लेट जो होता है मॉडिफाइड स्टेम है, लीफ के फंक्शन करने लग जाता है, क्लोरोफिलस होता है मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, सो ये क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फ्लैट फिलोक्लेट होता है ओपेंशिया का, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल होता है यूफोर्बिया का। क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2016 फेज फर्स्ट के अंदर। अब डिफरेंस पर बात करेंगे अपन, क्लेडोड पर। क्लेडोड एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन सवाल पूछा गया है, तो क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। चलिए डिफरेंसेस देखते हैं, क्लेडोड नेक्स्ट है, क्लेडोड। तो क्लेडोड क्या होता है, देखिए क्लेडोड एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो ग्रीन स्टेम ब्रांच होती है ठीक है ना, ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ग्रीन स्टेम ब्रांच
विद लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि ये वन और टू इंटरनोड लॉन्ग हो सकती है। ये कितनी हो सकती है? वन और टू इंटरनोड लॉन्ग हो सकती है, वन और टू इंटरनोड लॉन्ग हो सकती है। अब मैं आपको सवाल पे लेके आता हूं, क्वेश्चन जो पूछा गया कॉमडेक 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कॉमडेक 215 में। कॉमडेक के एग्जाम में यहां से स्टेटमेंट जो आया था वो क्या स्टेटमेंट आया था कि लीफी ग्रेन स्टेम ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, लीफी ग्रीन स्टेम ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। अब यहां पर लिमिटेड ग्रोथ जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। फिलोक्लेड्स, फिलोक्लेड और क्लेडोड में डिफरेंस इतना ही है कि क्लेडोड जो होता है वो लिमिटेड ग्रोथ वाला होता है और फिलोक्लेड जो होता है वहां कंप्लीट स्टेम, एक्चुअल में जो स्टेम है वो मॉडिफाई होता है। यहां एक्चुअल में स्टेम ब्रांच होती है और कितनी, एक या दो इंटरनोड लॉन्ग जो लेंथ होती है, लिमिटेड लेंथ है उतनी ही वो मॉडिफाई होगी। ये चीज खास तौर से ध्यान रखना, इंटरनेट पर आपको अलग अलग स्टेटमेंट मिलेंगे, आगे पीछे उल्टे सीधे कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलोक्लेड में ओरिजिनल जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो रहा है, क्लेडोड में ब्रांच होती है, या फिर आपको अगर वो स्टेम का पूछेगा जैसा कि कॉमडेक के एग्जाम में पूछा गया सवाल कि लीफी ग्रीन स्टेम, तो वो लिमिटेड ग्रोथ जरूर देगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है फिलोक्लेड्स और क्लेडोड में डिफरेंस करने के लिए कि यहां पर लिमिटेड ग्रोथ वाली चीज होती है, यहां पर मॉडिफाइड जो चीज होती है वो क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ वाली होती है। कितनी? वन और टू इंटरनोड लॉन्ग। तो ऑब्वियस सी बात है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जांपल है इसके रस्कस और एस्पेरेगस। रस्कस मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है और एस्पेरेगस, रस्कस और एस्पेरेगस दो इसके कॉमन एग्जांपल है। फिर लास्ट पॉइंट आता है बच्चों बल्बिल्स। तो ये क्या होती है? मॉडिफाइड शूट होती है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भाग लेती है, टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं बल्बिल्स, कायिक प्रवर्धन में। तो सबसे कॉमन फेमस एग्जांपल जो है वो है अगेव, ठीक है, कौन सा? अगेव। तो अगेव के अंदर फिर से चीज आ रही है, अगेव जो होता है उसमें जो मॉडिफाइड बल्बिल होते हैं वो फ्लोरल बड होती है, वो क्या होती है? वो फ्लोरल बड होती है, ठीक है। अगेव का जो बल्बिल होता है वो मॉडिफाइड फ्लोरल बड होती है, ध्यान रखिएगा, अगेव का बल्बिल मॉडिफाइड फ्लोरल बड होती है। ऑक्सैलिस के अंदर देखने को मिलेंगे, वहां रेडिकल बड होगी, ठीक है, ऑक्सैलिस में क्या होती है? रेडिकल बड। अब बताइए रेडिकल बड क्या होती है? जो रूट पे डेवलप होती है, यानी कि एडवेंटिशियस बड है। तो ऑक्सैलिस के अंदर बनने वाला बल्बिल जो होता है वो रेडिकल बड होती है, यानी एडवेंटिशियस बड है। और एडवेंटिशियस किसका टाइप है? वेजिटेटिव का टाइप है। एडवेंटिशियस किसका टाइप है? वेजिटेटिव का। तो ध्यान दीजिए, क्लेडोड ग्रीन स्टेम ब्रांच होती है विद लिमिटेड ग्रोथ, एक या दो इंटरनोड लंबी होती है। कॉमडेक 2015 में सवाल पूछा गया, स्टेटमेंट था कि लीफी ग्रीन स्टेम ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो फिलोक्लेड और क्लेडोड में लिमिटेड ग्रोथ का मेजर डिफरेंस है, ठीक है, वहां एक्चुअल स्टेम है, यहां स्टेम ब्रांचेज है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। तो ये तो कॉमन फंक्शन हो गया, एग्जाम्पल है रस्कस और एस्पेरेगस, क्लियर। और बल्बिल्स जो होते हैं ये भी मॉडिफाइड एरियल शूट है। तो अगेव का जो बल्बिल होता है वो मॉडिफाइड फ्लोरल बड है, ऑक्सैलिस का जो होता है वो रेडिकल बड होती है, और बड का क्लासिफिकेशन मैं आपको करवा चुका हूं। तो इसी के साथ एरियल मॉडिफिकेशंस खत्म होते हैं। अब फटाक से लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट लेक्चर को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन ने स्टेम के बारे में पढ़ा बच्चों, स्टेम जो होता है वो असेंडिंग पोर्शन है,
रेडिकल से डेवलप होता है, ब्रांचेज, फ्लावर, फ्रूट, लीफ इस पर पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड के नोड से ब्रांच या लीफ डेवलप होती है, इंटरनोड दो नोड के बीच की जगह इंटरनोड होती है, इस पर बर्ड्स प्रेजेंट होती है, इस पर हेयर्स होते हैं, हेयर जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ट्राइकोम कहलाते हैं। ठीक है, बात आती है बर्ड की, तो बर्ड जो होती है वो डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, कंडेंस्ड शूट होता है, अनडिफ्रेंशिएट अनडेवलप्ड होता है। ठीक है, तो बर्ड का अगर क्लासिफिकेशन करें तो वेजिटेटिव बर्ड, फ्लोरल बर्ड और मॉडिफाइड। वेजिटेटिव बर्ड जो वेजिटेटिव शूट को प्रोड्यूस करेगी, फ्लोरल बर्ड जो फ्लावर को प्रोड्यूस करेगी, मॉडिफाइड कैन बी बोथ वेजिटेटिव और फ्लोरल। तो फ्लोरल बर्ड तो हमेशा फ्लावर को ही प्रोड्यूस करेगी, वेजिटेटिव जो होती है वो टिप पॉइंट पे प्रेजेंट उसे टर्मिनल या एपिकल कहते हैं, लीफ एक्सिस में प्रेजेंट एक्सिलरी कहलाती है और एक्सिलरी के आसपास प्रेजेंट एसेसरी कहलाती है, और इन जगहों को छोड़कर डेवलप होने वाली क्या है, एडवेंटिशियस होती है। एडवेंटिशियस बर्ड अगर स्टेम पे डेवलप होती है तो क्यूलाइन, रूट पे डेवलप होती है तो रेडिकल, और लीफ पे डेवलप होती है तो फोलियर। फिर अपन ने स्टेम के फंक्शंस देखे, तो स्टेम के फंक्शन बच्चों क्या होते हैं, तो स्टेम जो है वो ब्रांचेज प्रोड्यूस करता है, लीफ फ्लावर फ्रूट, और मेन फंक्शन जो है क्या कर रहा है, कंडक्शन का काम कर रहा है, वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेट, इसके अलावा स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, प्रोटेक्शन हो गया, तो ये फंक्शन जो होते हैं ये भी स्टेम परफॉर्म करता है। क्लियर, प्रोटेक्शन हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, ये देखने को मिलते हैं। फिर मॉडिफिकेशन, तो स्पेशल फंक्शन करने के लिए स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं, सॉइल सरफेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसकी पोजीशन कैसी है, उस पोजीशन के बेसिस पे मॉडिफिकेशंस को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। अगर वो कंप्लीट ऊपर है सॉइल से तो वो एरियल हो गया, रेंगता हुआ सॉइल से चिपका हुआ आधा अंदर आधा बाहर है तो सब एरियल या अर्धवायवीय, और अगर कंप्लीटली सॉइल के अंदर है तो अंडरग्राउंड। तो एरियल के अंदर सबसे पहले टेंड्रिल कहां से डेवलप होते हैं, एक्सिलरी बर्ड से, स्पाइरल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, थॉर्न भी एक्सिलरी बर्ड से होते हैं लेकिन ये वुडी, हार्ड और पॉइंटेड होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, प्रीकल्स जो होते हैं वो स्टेम पर पाए जाने वाली कोमा शेप स्ट्रक्चर होती है, फिलोक्लेड्स, फिलोक्लेड फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है जहां स्टेम फोटोसिंथेसिस करने लगता है। ठीक है, फ्लेट जो होता है वो ओपेंशिया का होता है, फ्लैशी यूफोर्बिया का होता है, क्लेडोड, तो क्लेडोड का क्या होता है, क्लेडोड स्टेम ब्रांच होती है लिमिटेड ग्रोथ के साथ में, एग्जांपल है रस्कस और एस्पेरेगस, बल्बिल मॉडिफाइड शूट होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फ्लोरल बर्ड अगेव में मॉडिफाई होती है, और रेडिकल बर्ड जो होती है वो ऑक्सेलिस की होती है। ये बर्ड्स आगे चलकर क्या बनाती है, बल्बिल्स बनाती है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर है सारी चीजें, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर हैं, याद हो गई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जो कि बनता है आपका भी बनता है और बाकी आपकी इच्छा है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छा लग रहा है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, आपके लाइक्स के लिए, शेयर के लिए, सब्सक्राइब के लिए। सो टाटा, बाय बाय।